फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कल एंड शाइन, जहां आपको हर तरह के घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज मिलते हैं और पता चलता है कौन सा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कौन सा कम अच्छा प्रोडक्ट है और कौन सा बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके के एक प्रोडक्ट के साथ मैं आज आई हूँ। उसका नाम है ये वंडर शेफ का न्यूट्री ब्लेंड। अब ये प्रोडक्ट मैंने काफी टीवी में बहुत देखा है, जितने भी जो शेफ्स होते हैं उनको मैंने बहुत देखा है इसे यूज करते हुए। तो मुझे लगता था हमेशा से कि ऐसा इसमें क्या है कि मतलब क्या मिक्सर को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि लेते हैं इसे। ज्यादा इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जगह बहुत कम लेता है, तो इस वजह से मैंने इसे लिया है। इस तरीके के और भी अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, मैंने वंडर शेफ का लिया है और इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो के एंड में आई टेल यू कि अगर इसको एक नॉर्मल मिक्सर के साथ कंपेयर करा जाए तो क्या ये एक नॉर्मल मिक्सर को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, तो मतलब नॉर्मल मिक्सर से कंपेयर करें तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो इसका डिज़ाइन आप देखेंगे न्यूट्री ब्लेंड का, तो काफ़ी सिंपल है, स्लीक है, जगह कम ले रहा है। मैंने इसे ब्लैक कलर में लिया है। इसके कई सारे कलर्स और भी अवेलेबल हैं, तो आप अगर चाहें तो आप दूसरे कलर्स में भी इसे ले सकते हैं। इसके साथ बेसिकली मेन ये मोटर है और साथ में दिए हुए हैं दो जार्स। जो छोटा वाला जार है ये वाला, ये 300 ml का है और बड़ा वाला जार जो है वो 500 ml का है। इन दोनों ही के साथ आपको दो तरह के ब्लेड्स दिए हुए हैं, एक है आपका ग्राइंडिंग का ब्लेड और एक है ब्लेंडिंग का। ग्राइंडिंग वाला ब्लेड जो है वो डबल ब्लेड है, शार्प ब्लेड्स हैं, और जो ब्लेंडिंग वाला है वो फोर ब्लेड्स वाला है। और अब आप देखेंगे इसके साथ इन्होंने दिए हुए हैं लिड्स, दो एक्स्ट्रा लिड्स दी हुई हैं। ये वाली लिड सिंपल इसलिए है कि अगर आपने मसाले पीसे तो आपको उन्हें स्टोर करके रखना है फ्रिज में, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला है जिसमें से छेद बने हुए हैं, ये बेसिकली जो है वो सीजनिंग के लिए है कि आपने मसाले पीसे सीजनिंग करना है आपको, तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं मतलब जो भी आपने मसाला बनाया, अदरवाइज उसकी महक चली जाएगी। इसे यूज़ करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आप देखेंगे दो ऐसे नॉचेस बने हुए हैं, एक इधर है और एक ये इधर, तो इसको बस आपको उधर मोटर में भी ऐसे ही छेद बने हुए हैं उसमें आपको इसको फिट करना है, प्रेस करना है और मशीन आपकी चल जाएगी, बस इतना ही करना है। तो यूज़ करना बहुत ही ईजी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है जो उन्होंने स्पेशली इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि कभी भी आप इसको बाहर निकालने की कोशिश ना करें, ट्राई नॉट टू रिमूव इट। और दूसरी चीज़, अगर आप इसे क्लीन करना चाह रहे हैं तो ज़रूर से ध्यान दें कि आपका ये जो वायर है वो निकला हुआ है। अगर आपने वायर नहीं निकाला और इस पर आपने प्रेस किया तो ये चल जाएगा एंड देन इट विल बी अ यू नो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वायर ज़रूर से निकाल के फिर तभी क्लीनिंग करें, क्योंकि जितना भी उसमें काम है कि वो प्रेस करने से ही मोटर चल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कितना डेंजरस हो सकता है। तो सबसे पहले जो इसमें पिस रहा है वो ये है, मैं जो पानी पूरी का पानी होता है वो तैयार कर रही थी। तो इसमें आप देखेंगे पुदीना है, कच्चा आम है, खड़े मिर्चे हैं और अदरक लहसुन भी है। और इसको जो है वो एकदम स्मूथ, आपको पता ही चटनी चाहिए होती है पानी के लिए, तो जैसी चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही बनी। नेक्स्ट, ये बड़े वाले जार में मैंने 3 टमाटर लिए हुए हैं, तो जस्ट टू सी के 3 टमाटर कितनी जल्दी और कैसे होते हैं। तो ये देखिए आप, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, बहुत ही जल्दी आसानी से और स्मूथ प्यूरी जो है वो टमाटो की बन जाएगी। फिर ये खड़े मसाले हैं जिनको मैंने हल्का सा रोस्ट किया था, ठंडा किया है और फिर उन्हें मैं ग्राइंड कर रही हूँ, तो ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है इससे। अब ये जो है वो मैं मटन करी बनाना है, तो उसके लिए जो ग्रेवी होती है वो बिल्कुल पतली होती है, बिल्कुल भी उसमें खड़ा खड़ा प्याज या कुछ भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी होती है उसकी। तो वो मैं बना रही हूँ मसाला इस टाइम, तो इसमें मैंने प्याज है, लहसुन, अदरक और बाकी जो सूखे मसाले होते हैं, थोड़ा सा पानी डाला है और जैसा मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही आई है जैसी ग्राइंडर में आती है। और ये बन रहा है, ये मैं पनीर बना रही थी, तो उसके लिए मैंने ये सारे मसाला जो सब्जियां हैं जैसे शिमला मिर्च है इसमें, प्याज है, टमाटर है, काजू भी हैं, उन्हें थोड़ा सा टॉस किया है, ठंडा किया है और उसके बाद फिर मैं इसमें ग्राइंड कर रही हूँ।
और ये बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया है देखिए, और बिल्कुल स्मूथ जैसा मुझे अपनी पनीर ग्रेवी के लिए चाहिए वैसा ही ये बन गया है। अब एक डिसएडवांटेज जो मैंने नोटिस करा है और मुझे लगता है कि ये हो सकता है कंपेयर्ड टू हमारे जो एक्चुअल ग्राइंडर्स होते हैं, वो है इसकी जार की ड्यूरेबिलिटी। जो हमारे एक्चुअल ग्राइंडर्स होते हैं उनका जार स्टेनलेस स्टील वगैरह का होता है, तो वो अगर गिर भी जाते हैं तो टूटते नहीं, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है अगर ज़रा सा भी यहाँ पर क्रैक भी आ गया ना तो शायद ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर मतलब मैं कहूँगी कि थोड़ा सा इन जार की ड्यूरेबिलिटी पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ऐसे तो इसमें दिया है इट इज़ नॉन ब्रेकेबल, लेकिन अगर गिरेगा तो आई डोंट थिंक सो कि ये फिर थोड़ा बहुत नहीं टूटेगा, ये ज़रूर टूटेगा मुझे ऐसा लगता है। एक अच्छी बात जो इसमें मैंने देखी है वो ये है कि मुझे इसे क्लीन करना एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल ग्राइंडर्स ईजी है, बिकॉज यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ना इतना बेंट नहीं दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे जब हम इसको वॉश करते हैं ना तो हमें हाथ बिल्कुल अंदर डाल के उसे बेंट करना होता है, तब भी हमारा हाथ अच्छे से नहीं पहुँच पाता है। और कभी कभी ये पीछे के साइड यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी पानी या अगर आपने हरी चटनी वगैरह पीसा होता है तो वो भी फंस जाता है, तो उसको भी क्लीन करना इतना ईजी नहीं है। तो वो मैं देख रही हूँ कि दैट इज़ मोर ईजियर, दैट इज़ द क्लीनिंग इज़ मोर ईजियर इन दिस न्यूट्री ब्लेंड, बिकॉज यहाँ पर भी इसे ईजिली क्लीन हो रहा है और साथ में जो ब्लेड्स वाला पार्ट है वो भी बहुत ही ईजिली क्लीन हो रहा है। इस न्यूट्री ब्लेंड को आप डोसा का बैटर, इडली बैटर, दही बड़े का जो आप बैटर बनाते हैं, या फिर आप कोकोनट चटनी या कोई ऐसा सामान जिसको बहुत देर तक पीसना होता है वो आप नहीं कर सकते हैं, जैसे आप नॉनवेज के लिए कबाब कीमा बनाते हैं तब भी आप नहीं कर सकते हैं इसे यूज़, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी आप देखेंगे तो वहाँ वेबसाइट पे दिया ही हुआ है कि आप इस अप्लायंस को 45 से 60 सेकेंड्स के बीच में ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ करने पर मैंने भी देखा है कि इसका मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। प्रोडक्ट के बारे में सभी डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी है, अगर कुछ रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा एग्जैक्ट एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब मैं मिक्सर बहुत कम यूज़ करूँगी, इनफैक्ट मैं उसको अंदर रख दूंगी और ये रहेगा स्लैब पे। मिक्सर सिर्फ तभी निकलेगा जब मुझे नॉनवेज के लिए, स्पेशली कीमे या कबाब के लिए मुझे यूज़ करना होगा तब निकलेगा, या फिर अगर ये ख़राब हो जाता है तब, जो कि आई होप ना हो, हो भी जाता है तो इस पर वारंटी है, सो वी कैन गो फॉर इट। एंड मेरे हिसाब से जो मैंने देखा था टीवी वगैरह में लोगों को यूज़ करते हुए, ये बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है। सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो इज स्पेशली फॉर म्यूजिक लवर्स, अगर उनको म्यूजिक सुनना और गाना बहुत पसंद है तो उनके लिए ये वीडियो होगा। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।